ऊपर से जितने पत्थर गिरे हैं सब नीचे रखे हुए हैं। ये देखिए किस तरह नक्काशी की गई थी ऊपर मीनार के पत्थरों के ऊपर। ये छेनी के निशान दिखाई दे रहे हैं पत्थरों के ऊपर सतह पर, और सामने की ओर से ये बेल बूटों का डिज़ाइन बनाया गया है। सब छेनी हथौड़ों से किया गया है पुरातत्वी कारीगरों द्वारा। और ये पत्थर अब जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं तो कुछ टूट भी गए हैं, कुछ जलजलों के प्रकोप से भी थोड़ा क्षत विक्षित हो रहे हैं। तो अब आते हैं अंदर की ओर, चलते हैं गर्म मीनार के। इस तरह से मीनार का मुख्य द्वार है जहां से मीनार के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। सतह ये कुतुब मीनार के तरह ही बनाई गई है, गौर से इसे देखिए। ये देखिए छज्जों पे किस तरह का डिजाइन बनाया गया है। आइए मीनार के अंदर चलते हैं एक बार। ये है मुख्य द्वार। ये प्रवेश द्वार पर आप देखेंगे कुछ पारसी के अंदर लिखा गया है, ये पारसी भाषा में है। चलिए आइए चलते अंदर, पर थोड़ा सा सतर्कता से जाना पड़ेगा क्योंकि चमगादड़ वगैरह अंदर बहुत ज़्यादा हैं और अनजाने रिस्क भी हो सकते हैं किसी तरह के सांप बिच्छू मधुमक्खियाँ। अब देखते हैं, अब आए हैं तो इस मीनार का आपको पूरा दौरा करवाएंगे, तो आपके लिए रिस्क ले रहे हैं थोड़ा सा। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए अंदर कैसे गोल पिलर बनाया जाता था पहले मीनार को आधार देने के लिए, और इस पिलर के अराउंड ही अगर आप देखेंगे, ये देखिए पत्थर किस तरह से फंसाए जाते थे, सीढ़ियों की संरचना एक के ऊपर एक गोल गोल घुमाव करते हुए सीढ़ियां ऊपर को जा रही हैं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये सीढ़ियां सब ऊपर जा रही हैं, और ये अब हम नीचे से शुरू कर रहे हैं चलना। यहाँ से पहली सीढ़ी ये है, दूसरी ये देखिए मीनार इस तरीके से बाहर जाती है, और ये हमारे एक मित्र तिलक जी आए हैं अंदर। नीचे से भी आपको दिखा देते हैं हम, ये देखिए कैसे मीनार के अंदर पत्थर फंसाए जाते थे, अंदर वाले स्तंभ से बाहर वाली दीवार की ओर सीढ़ियों के एक एक स्टेप को आधार देने के लिए इस तरीके से। आइए तो अंदर अब हम चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए आप अंदर वाले स्तंभ से कैसे बाहर की ओर सीढ़ियां एक एक करके जा रही है। बड़े ध्यान से जाना है हमें, कदम फूंक फूंक कर, अनजान खतरों से थोड़ा सतर्क भी रहना है, पर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब ये देखिए ये जो सीढ़ियां हैं, यही सीढ़ियां इस मीनार के बीच वाले और बाहर वाली दीवार के अराउंड घूमती हैं। आपको पीछे से भी दिखाता हूं कैसे घूम कर आई है मुख्य सीढ़ियां। ये देखिए आइए चलते हैं, ये है झरोका। अभी हम मीनार से ज्यादा नहीं 15-20 सीढ़ियां ऊपर आए हैं, और ये इस तरह से रोशनी आने के लिए जगह बनाई गई है। आइए ऊपर चलते हैं, पर अंधेरा बहुत ज्यादा है। ये कुछ बामी जैसी भी है, इनसे ध्यान रखना थोड़ा। ये देखिए अंदर वाले स्तंभ पे कैसे ये सीढ़ी अंदर तक घुसाई गई है। इस तरह से मीनारों की रचना की जाती थी पहले मुगल कारीगर द्वारा। आइए अंदर, चमगादड़ों की बहुत ज्यादा भी आ रही है, पर इससे विचलित होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए
कैसे मीनार से बाहर दृश्य दिखाई दे रहा है। हमारे पाँव बीच बीच में धस भी रहे हैं, सीढ़ियों में टूट फूट हो रखी है जिसके कारण चलने में परेशानी आ रही है। और अब आपके लिए वीडियो भी बनानी है साथ साथ हमें, तो इस तरह के खतरों से रूबरू होते होते हम मीनार के ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए बामी, अभी मीनार के व्यास भी घटता जा रहा है, ऊपर जाते जाते पतली होती जा रही है। आप देखिए पत्थरों में कैसी इंटरलॉकिंग की गई है ताकि मीनार अपनी जगह स्थिर रहे। पत्थर सिर्फ एक के ऊपर लगाए नहीं गए हैं, पत्थरों का आपस में जोड़ बनाए रखने के लिए उन्हें इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया है एक के ऊपर एक। ये देखिए अंदर का स्तंभ कैसे पत्थर अंदर वाले स्तंभ में फंसाए गए हैं। ये गोल पत्थर देखिए, सोचा ही ये खूखल अंदर काफी पत्थर एक के ऊपर एक लगाए गए हैं। आ गए हैं पहली मंजिल के छज्जे पे, तो ये है वो छज्जा जैसे हम आपको दिखा रहे थे कि जिसमें पत्थर कैसे अंदर से होते हुए बाहर तक खींचे गए थे। अब इन पे हम खड़े भी हो सकते हैं, आप देखिए पत्थर कैसे आपस में लॉक किए। ये देखिए वो भी डिजाइन हमें नीचे से दिख रहा था, वो नीचे की हो रहा है, उस पर हम देख नहीं सकते, और नीचे की फाउंडेशन भी आपको दिख रही होगी क्लियर। ज़्यादा हम बाहर को नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस भी ख़राब हो सकता है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वापस हम अंदर की ओर आते हैं और दोबारा अंदर की ओर चलते हैं मीनार की ऊपर मंजिल की ओर। आइए अब इससे ऊपर आइए, अब ये देखिए आप कितना ज़्यादा सकरा हो गया है रास्ता, ऊपर परेशानी आएगी चलने में हमें थोड़ा। आइए अब जल्दी जल्दी खींचते हैं कदम आगे की ओर, सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी हैं, अब पाँव रखने में परेशानी हो रही है, सीधा पाँव नहीं रखने चल सकते, आपको पाँव तिरछा रखना पड़ रहा है। और ये मौसम की मार देखिए, इस तरह से पुराना चूना और सब मौसम की मार से निकल चुका है, थोड़ा तत्व विभाग ज़्यादा इसकी देख रेख नहीं कर पा रहा। ये देखिए पत्थर वगैरह भी मीनार के गिर रहे हैं, ये पुराना पत्थर देखिए कितना मजबूत और चमकीला, इस तरह के पत्थर से इसकी संरचना की गई है मीनार की ताकि ये सदियों तक यहीं ऐसे ही खड़ी रहे अपनी जगह। ये देखिए शानदार, तो अब लगभग हम ऊपर पहुंच ही चुके हैं। ये एक और पत्थर गिरा पड़ा है, अब हम मीनार के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल चरम पर आकाश भी दिखने लग पड़ा है, अब हमें मौसम बहुत अच्छा है आज। ये देखिए सबसे ऊपर आते आते पत्थरों की संरचना देखिए आप, कैसे सीढ़ियाँ अंदर हो गई हैं, इस पायदान का आधार उस सीढ़ी पे है। ये नीचे चूने की परत है, ये पत्थर है, ये पत्थर सीधा वहाँ तक फंसाएंगे। अभी हम मीनार के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं, ये देखिए अद्भुत नज़ारा। तो इस को दिखाने के लिए आज हमने इतना साहस किया और आप लोगों के लिए रिस्क भी लिया, आप हम यहाँ आए आपको मीनार दिखाने के लिए। देखिए भारत के अद्भुत कलाकारों के बेमिसाल कलाकार नाम कितने शानदार थे हमारे पुराने कारीगर। देखिए एक पत्थरों में कैसे तिरछा
तिरछापन भी है उनके अंदर। ये देखिए हमारे टीम के कुछ सदस्य कैसे ऊपर ऊपर आ चुके हैं। अब सब लोग बड़ी मुश्किल दुर्गम यात्रा करते करते यहाँ तक आ चुके हैं ऊपर। और सभी दोस्तों को मैं बोलूँगा अपना अपना नाम बता दीजिए एक बार। नीरज आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली? खेली खेली कहाँ पे है? बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पीछे मत जाइएगा क्योंकि बहुत पीछे खतरा बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। आपका क्या नाम है दोस्त? पवन। आप कहाँ से? साथी? आप अलवर से? आप अलग जगह से? आप अलग जगह से? आप दोनों साथ हो? आप तो शहादत खान, तिलक सिंह, सौरभ, राम मीणा जी आप कहाँ से? चलिए स्वागत है आप सबका बहुत ज़्यादा। एक हमारे मित्रगण रह गए हैं सितेंद्र जी, नज़र नहीं आ रहे हैं कहाँ पे हैं, क्या हो गया उनको? सितेंद्र आप आ रहे हैं ऊपर? अच्छा ठीक है, अच्छा कीजिए आप, अपना शौक है आपको वैसे ही फोटो वगैरह खींचने का, अच्छा काम है कीजिए आप। तो ये देखिए दोस्तों, अब देखिए आप यहाँ का नज़ारा, बयाना फोर्ट के चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, सतफेरा मीनार के ऊपर चढ़कर इस तरह का नज़ारा है। दूर किलों की एक संरचना आपको दिख रही है पहाड़ों पे दूर दूर तक, जिसने इस पूरे बयाना क्षेत्र को अपनी तरह से घिराव कर रखा है। तो सोचिए कितने मेहनती होते थे पुराने बंदे, जो हम सोच भी नहीं सकते, हम चलने के बारे में नहीं सोच सकते थे। ये तो आप देखिए किले की दीवार, देखिए पहाड़ों पे कहाँ से कहाँ जा रही है होती हुई, मतलब कितना मेहनती कितने होते थे आप पहले के लोग। आप ये सिर्फ एक बार आप इमेजिन कीजिए, आज तो वो सोच भी नहीं सकता बंदा इस तरह के काम करने के। अब मैं आपको ऊपर से और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे मीनार, जाना मीनार के अंदर क्या क्या। ये राजा का महल है, ये देखिए राजा का महल, ये सामने भीमलाट मीनार है, इसे बोलते हैं भीमलाट मीनार, ये भी बयाना फोर्ट का ही। आप बताएंगे यहाँ पे बारे में आपको कुछ जानकारी हो जो व्यूअर्स देख सके? अच्छा ये वाला स्तंभ, अच्छा ही, और इसके बारे में आप और कुछ भी बता सकते हैं व्यूअर्स को? दोस्तों पत्थरों को इंटरलॉकिंग कैसे की जाती थी, लोहा पिघला कर इनमें डाला जाता था सुराखों में, एक के बाद एक पत्थरों को आपस में लॉक करके। ये देखिए आपको एक दिखाते भी हम, ये लोहे की पिन आपको दिख रही होगी कैसे पत्थरों में दोनों में छिद्र करते थे ये लोग, और पिघला हुआ लोहा डालते थे, और फिर जैसे ही लोहा सूखता था ये पत्थरों को आपस में जकड़ लेता था पूरी मजबूती के साथ। तो आप देखिए किस तरह से मीनार ऊपर आते आते मीनार की मोटाई रह गई है लगभग 3.5 फुट की, और ये सीढ़ियों का भी जो हम आपको दिखा रहे थे कि सीढ़ियाँ कैसे एक दूसरे के अंदर अंदर वाले स्तंभ से बाहर दीवार के ऊपर जाती है वो सामने आपको दिख रहा है। सितेंद्र जी भी आ चुके हैं ऊपर, अभी स्वागत है आपका।
आ गई संरक्षण बनाई गई है सेम। ये इसके छज्जे पर देखिए आप डिजाइन किस तरह का ये, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप व्यू दे रहा हूँ इसका। ये देखिए रिंग किस तरह से बनाया गया और किस तरह एक के ऊपर एक बारीक पत्थरों को रखते हुए बाहर की तरफ छज्जे की तरह एक संरचना बनाई गई है, ताकि मीनार के हर स्तर पर जाके बंदा बाहर आकर भी दृश्य देख सके। यह है मीनार की सबसे ऊंची जगह, इसका नाम है सतफेरा मीनार बयाना फोर्ट।